ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर गुजरात से। गुजरात के सोमनाथ में गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने डंडों से पीटा है। सरेआम चार युवकों की शर्ट उतारी गई, तस्वीरें आपके सामने हैं। सोमनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्हें गाड़ी से बांधकर लाठी डंडों से मारा गया। जिन युवकों की पिटाई हुई वो चमड़े का व्यापार करते हैं और जो लोग पिट रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको देख लीजिए, गुजरात के सोमनाथ की तस्वीरें। जिन लोगों की पिटाई हुई है वो लोग चमड़े का काम किया करते थे और जो लोग पीट रहे हैं वो अपनी इस करतूत को गौ रक्षा के नाम जायज ठहराने में लगे हुए हैं। इन तथाकथित गौ रक्षकों का कहना है कि इन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग गाड़ी में बीफ ले जा रहे हैं। इस सूचना पर इन्होंने गाड़ी को रोका और उसमें सवार युवकों को उतार कर उनकी मारपीट कर दी। बताइए किस तरह डंडों से पीट रहे हैं जिन्हें पीटा जा रहा है। वो लोग चमड़े का व्यापार करते हैं। भूपेंद्र हमारे संवाददाता हमें और जानकारी देंगे। भूपेंद्र एक बार जरा समझाइए क्या कुछ हुआ, कौन लोग हैं ये जो पिट रहे हैं और जो पीट रहे हैं। देखिए ये गौ रक्षक हैं जो इस तरह की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को कथित तौर पर गौ रक्षक बता रहे हैं। ये जूनागढ़ का मामला है जहाँ पर समदियाला एक गाँव है और उस गाँव के अंदर पता चला था कि कुछ गाय जो है वो काटी गई है और उसके चमड़े के लिए चर्मकारों को बुलाया गया था। इन्हें पता चला था कि यहाँ पर इस तरह से चमड़े जो है उपलब्ध है तो ये चमड़ा लेने के लिए आए हुए थे। लेकिन जैसे ही गौ रक्षकों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बस स्टैंड के पास में ही इन्हें रोका और इनके कपड़े उतारकर पहले इन्हें गाड़ी से बांधा और उसके बाद फिर कोई कार्रवाई हुई। इस मामले को लेकर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि अभी कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस इसमें जांच कर रही है। और चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मामला दर्ज कर लिया गया है, फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में